हमारी इसका प्रायोरिटी है वो ये है गांव और किसान। तो गांव में तो हमने ये कार्य निर्णय ये लिया है कि गांव और सेक्टर में हमारे में विकास में कोई अंतर नहीं है और हम कोशिश करेंगे ये गांव का नाम ही हम सेक्टर के रूप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हम ये क्यों कहें कि ये यमुना एक्सप्रेस वे या ग्रेटर नोएडा के सेक्टर का डेवलपमेंट है और ये गाँव का डेवलपमेंट आपको और गांव को भी उस सेक्टर के साथ इंटीग्रेट होना पड़ेगा। तो इसलिए एक निर्णय हमने जो लिया वो ये लिया है कि गांव का भी हम विकास उसी पैटर्न पे कराएंगे जिस पैटर्न से हम सेक्टर का विकास कराएंगे। और इसके लिए इस बार हमने गांव के विकास में पिछले वाले से हमने 10.76 करोड़ का व्यय रखा था, इस बार हमने 61.02 करोड़ का व्यय 61.02 पर लगभग 61 करोड़ रुपए हम लोगों ने रखा है और जरूरत पड़ेगी तो इससे ज्यादा भी खर्च किया है। सर टोटल पिछले साल 10 करोड़ ये 20,000 ले रही है। अब वो हम अगले बजट में रूरल अर्बन का डिफरेंस खत्म कर रहे हैं। हम ये कर देंगे जैतपुर सेक्टर में इतना खर्चा, सेक्टर 16 में इतना खर्चा, सेक्टर 5 में इतना खर्चा, सेक्टर मकोड़ा में इतना